मां नर्मदा की ये पावन पवित्र धारा के किनारे पर सतपुड़ा और विंध्य के आंचल में इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी का, देशवासियों का विश्व में फैले हुए हिंदुस्तानियों का और हिंदुस्तान को प्रेम करने वाले हर किसी का अभिनंदन करता हूं। आज पूरा देश सरदार की रहा है। कोने कोने में भारत की एकता और अखंडता के लिए हमारे नौजवान दौड़ लगा रहे हैं। रन फॉर यूनिटी, इसमें हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों का भी मैं अभिवादन करता हूं। आपकी भारत भक्ति ही और यही भारत भक्ति की यही भावना है जिसके बल पर हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी सभ्यता फल रही है, फूल रही है। साथियों, किसी भी देश के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब वो पूर्णता का एहसास कराते हैं। आज ये वो पल होता है जो किसी राष्ट्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है और उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल होता है। आज का ये दिवस भी भारत के इतिहास के ऐसे ही कुछ क्षणों में से एक महत्वपूर्ण पल है। भारत की पहचान, भारत के सम्मान के लिए समर्पित एक विराट व्यक्तित्व का उचित स्थान देने का एक अधूरापन लेकर के आजादी के इतने वर्षों तक हम चल रहे थे। आज भारत के वर्तमान ने अपने इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठ को उजागर करने का काम किया है। आज जब धरती से लेकर के आसमान तक सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है, तब भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास भी रचा है बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सरदार साहब की इस विशाल प्रतिमा को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इसकी कल्पना की थी तो एहसास नहीं था कि एक दिन प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे ही ये पुण्य काम करने का मौका मिलेगा।
सरदार साहब के इस आशीर्वाद के लिए, देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद के लिए मैं खुद को धन्य मानता हूं। आज गुजरात के लोगों ने मुझे जो अभिनंदन पत्र दिया है, उसके लिए भी मैं गुजरात की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे लिए ये सम्मान पत्र या अभिनंदन पत्र नहीं है, लेकिन जिस मिट्टी में पला बढ़ा, जिनके बीच में संस्कार पाए, और जैसे मां अपने बेटे के पीठ पर हाथ रखती है तो बेटे की ताकत, उत्साह, ऊर्जा हजारों गुना बढ़ जाता है। आज आपके इस सम्मान पत्र में मैं वो आशीर्वाद की अनुभूति कर रहा हूं। मुझे लोहा अभियान के दौरान मिले लोहे का पहला टुकड़ा भी सौंपा गया है।